पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ के तत्वाधान में एक बैठक स्थान अंबेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में आहूत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उक्त संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप कुमार वाल्मीकि उपस्थित रहे। जनपद मुरादाबाद के समस्त विकास खंडों से आए सफाई कर्मचारियों ने अपनी अपनी समस्याएं प्रदेश अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत की। प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप कुमार वाल्मीकि जी द्वारा कहा गया कि शासन प्रशासन से मिलकर पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों समस्याओं का निस्तारण उक्त संघ के माध्यम से जल्द से जल्द कराए जाने के लिए संघ तत्पर है, तथा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नियुक्ति के वर्ष 2008 के उपरांत 10 वर्ष पूर्व होने के पश्चात सफाई कर्मचारियों को ACP का लाभ उक्त संघ के माध्यम से तत्काल दिलाया जाएगा। सभा में मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय कुमार राजपूत, प्रदेश प्रभारी विनेश कुमार राही, प्रदेश मंत्री राज्यपाल सिंह, जिलाध्यक्ष मुरादाबाद जसपाल सिंह वाल्मीकि, जिला महामंत्री मुरादाबाद सुशील कुमार, जिला कोषाध्यक्ष मुरादाबाद जयप्रकाश, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष संदीप कुमार, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील रावण आदि लोग उपस्थित रहे। मैं सर्वप्रथम आपको नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति के देशवासियों को शुभकामना देते सहित कर्मचारियों को, मैं आज कुलदीप वाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ के तत्वाधान में आज एक मंडली बैठक की गई है, जिसमें हमारे साथ में प्रदेश के प्रभारी भाई दिनेश राही जी, जसपाल जी, अजय राजपूत जी, ओमवीर सिंह, तमाम जनपदों से आए लोगों ने एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया जनपद मुरादाबाद में छोटी छोटी समस्याएं जनपद स्तर पर बनी हुई हैं, जैसे कि कर्मचारियों का स्थानांतरण बिना कारण बताओ नोटिस दे कर दिया जाता है, कर्मचारियों को सफाई के उपकरण तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो शासन स्तर पर 10 साल में ACP का लाभ मिलता है वो भी यहाँ पर नहीं लागू किया गया, जबकि पड़ोसी जनपद अमरोहा है वहाँ पर ACP का लाभ जारी कर दिया गया है। उसी के साथ साथ मुझे शासन स्तर पर भी इस बात को रखना है कि 1 लाख कर्मचारी है और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी का सपना है, जैसे प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत स्वच्छ होगा, उत्तर प्रदेश साफ होगा, योगी जी का सपना है, उसके साथ साथ माननीय योगी जी से कहना चाहूँगा कि अगर 2019 में अगर आपको वाकई में प्रधानमंत्री को सपने को साकार करना है तो पुरानी पेंशन भी बहाल करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ एक भी संदेश और देना चाहूँगा, जो भी अधिकारी कर्मचारियों के प्रति लंबित नहीं है जायज मांगों को लेकर, जबकि शासन से शासनादेश जारी हुए हैं, सफाई उपकरण के लिए भी शासनादेश उपलब्ध है, कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिए भी है, सेवा नियमावली अभी तक इस शासन में नहीं बनाई गई है, ऐसी तमाम छोटी छोटी समस्याओं को हम लोग यहाँ से जनपदों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय में रखेंगे और आयोग में रखेंगे और माननीय निदेशक पंचायती राज के पास रखेंगे कि हमारी जायज मांगे अगर इसको जल्द से जल्द पूरा ना किया गया तो ये सफाई कर्मचारी जो एक अहम कड़ी है स्वच्छ भारत की, ये कहीं ना कहीं रोष व्याप्त करेगा और आपके सपने को साकार नहीं होने देगा। इसी के साथ मैं कुलदीप वाल्मीकि पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय संघ, जय भारत।